इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। आज मैं आपको दुनिया की चार ऐसी घटनाएं बताने जा रहा हूँ जिनमें लोगों के गुम हो जाने के कई सालों बाद वह वापस लौट आए हैं। तो आइए जानते उनके बारे में। स्टीवन स्टैनर, जब वह 7 साल का था तो उसे 7 साल तक किडनैप करके बांध कर रखा गया था। उसके किडनैपर ने उस बच्चे से कहा था कि तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए तुम अब मेरे साथ मेरे बेटे जैसे रहोगे। लेकिन कुछ समय बाद स्टीवन उस जगह से भागने में कामयाब हो गया। वह तब तक चलता रहा जब तक कि वो पुलिस के पास नहीं पहुंच गया। कुछ दिनों बाद उस किडनैपर को भी पकड़ा गया। एबी ड्रोवर, वो 12 साल की थी जब उसका किडनैप कर लिया गया था, जिसे उसके पड़ोसी डोनाल्ड ने उठाया था, जिसने जमीन के नीचे मौजूद कमरे में उसे 6 महीने तक बंद रखा था। जब एबी के माता पिता उसे ढूंढ रहे थे तो उनकी मदद कई लोगों ने की, उनमें से एक उनका पड़ोसी भी था। लेकिन वह तब पकड़ा गया जब उसकी पत्नी ने पुलिस को फोन करके बोला कि उसके घर के नीचे से अजीब आवाजें आ रही है। जब पुलिस ने उस रूम को जाकर देखा तो वहाँ वो सलाखों से बंधी हुई थी, जिसके बाद उसे छुड़ा दिया गया। यामाटो टोनोका, 5 साल का यह लड़का साल 2011 में अचानक से गायब हो गया, क्योंकि जब वह कार और लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहा था तो उसके माता पिता ने उसे सजा देने के लिए उसे इस सड़क के किनारे पहाड़ के नजदीक अपनी कार से बाहर निकाल दिया। जब वह वापस वहां लौट कर आए तो उन्हें ये लड़का नहीं मिला। परेशान होकर लोगों की मदद से उन्होंने उसे पहाड़ी पर हर तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और फिर कुछ समय बाद जंगल से 5 किलोमीटर दूर वह जिंदा मिल गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके पिता पर केस दर्ज कर दिया गया। एलिजाबेथ स्मार्ट, साल 2002 में एलिजाबेथ का किडनैप कर लिया गया था, लेकिन जिस समय उसका किडनैप हुआ उस समय उसकी 9 साल की सिस्टर उसी कमरे में थी, लेकिन वह डर की वजह से सोने का नाटक कर रही थी। बाद में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, लेकिन वह जानकारी पुलिस की छानबीन से किसी भी काम नहीं आई थी। इसके बाद फैमिली ने अपना खुद का एक स्केच आर्टिस्ट घर में रख लिया था कि वह किडनैपर को पकड़ सके। आखिर में एलिजाबेथ कुछ समय बाद ब्रेन डेविड मिशेल के घर पर मिल गई थी, जो एलिजाबेथ के घर की सफाई कर रहा था।